हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम 12th मैथमेटिक्स पार्ट वन चैप्टर नंबर वन मैथमेटिकल लॉजिक के एमसीक्यूज कर रहे हैं। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ पी एंड क्यू इज़ फॉल्स एंड पी और क्यू इज़ ट्रू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। मतलब ABCD में से कौन सा फॉल्स है, नॉट ट्रू मतलब फॉल्स। ओके, ऑप्शन ए को डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि ये तो क्वेश्चन में गिवन है कि पी और क्यू ट्रू है, तो ये फॉल्स नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी अगर देखें तो डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग नगेशन बाहर लूंगा तो ये बनेगा पी एंड क्यू। पी एंड क्यू क्वेश्चन में गिवन है पी एंड क्यू फॉल्स है, इसका मतलब नगेशन ऑफ पी एंड क्यू ट्रू होगा। हमें क्वेश्चन में पूछा नॉट ट्रू, सो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया। मतलब बिना कुछ किए ए एंड सी को एलिमिनेट कर दिया हम। अब बचा क्या, बी एंड डी। बी में है बाई इम्प्लीकेशन, डी में है एक्चुअली ये इम्प्लीकेशन, पी इम्प्लाइज क्यू। पी इम्प्लाइज क्यू को ऐसे लिख सकते हैं नॉट पी और क्यू, जो ऑप्शन डी में वो पी इम्प्लाइज क्यू है। ठीक है, तो इम्प्लीकेशन एंड बाई इम्प्लीकेशन के लिए सॉल्व करना है कि अगर ये कॉम्बिनेशन है कि भाई पी एंड क्यू फॉल्स से पी और क्यू ट्रू है, तो इनमें से कौन सा, मतलब इस कॉम्बिनेशन के इम्प्लीकेशन एंड बाई इम्प्लीकेशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। ठीक है, देखते हैं। पी एंड क्यू फॉल्स, पी और क्यू ट्रू, तो हम चारों कॉम्बिनेशन लेते हैं एक बार। पी क्यू, पी एंड क्यू, पी और क्यू। ओके, पी एंड क्यू, पी और क्यू के लिए चारों कॉम्बिनेशन लेते हैं। टी टी, टी एफ, एफ टी एंड एफ एफ। ठीक, ओके, पी एंड क्यू, टी एफ एफ एफ, पी और क्यू, टी 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 एफ। ठीक, ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पी एंड क्यू फॉल्स है। अच्छा, अगर पी एंड क्यू फॉल्स है तो पी एंड क्यू यहाँ पे फॉल्स है, मतलब पी का और क्यू का कॉम्बिनेशन ये होंगे ना, तब पी एंड क्यू फॉल्स होंगे। और बोला कि पी और क्यू ट्रू है, पी और क्यू ऊपर थ्री में ट्रू है, यानी कि पी क्यू का ये कॉम्बिनेशन होगा तब पी और क्यू ट्रू होगा। अगर देखा जाए तो दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ ये दो, ये कॉम्बिनेशन दोनों में कॉमन है। मतलब जब टी एफ एफ टी होगा, पी क्यू का ट्रूथ वैल्यू टी एफ एफ टी होगा, तब पी एंड क्यू फॉल्स होगा एंड पी और क्यू ट्रू होगा। दोनों एक साथ तब सेटिस्फाई होंगे जब ये दो कॉम्बिनेशन लेंगे, राइट। और इन दोनों कॉम्बिनेशन में हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि पी एंड क्यू में से एग्जैक्टली एक फॉल्स है। यस, एक है टी एफ, दूसरा है एफ टी, तो एग्जैक्टली एक फॉल्स है ना। अगर एग्जैक्टली एक फॉल्स बाई इम्प्लीकेशन में होता है तो वो नॉट ट्रू होता है। आप देखो ना, बाई इम्प्लीकेशन का क्या ट्रूथ टेबल होगा, इस तरह का टी एफ एफ टी, तो कौन सा नॉट ट्रू होगा, बाई इम्प्लीकेशन ना। इम्प्लीकेशन में तो ऐसा रहता है, पी इम्प्लाइज क्यू में टी एफ टी टी। ओके, ये एफ टी के केस में ट्रू हो जाता है, इसलिए आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, समझ आया होगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। पी एंड क्यू इम्प्लाइज आर इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू। ओके, पी एंड क्यू इम्प्लाइज आर, इनमें से किसके लॉजिकली इक्विवेलेंट है, मतलब मैथमेटिकल लॉजिक के अकॉर्डिंग ABCD में से कौन सा पी एंड क्यू इम्प्लाइज आर के इक्विवेलेंट है। ठीक है, कुछ ऑप्शन एलिमिनेट करने का ट्राई करते हैं, जो बचेंगे उनके लिए सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन बी, बी पे जाते हैं। ऑप्शन बी है पी एंड क्यू इम्प्लाइज नॉट आर, क्वेश्चन में गिवन है पी एंड क्यू इम्प्लाइज आर, तो ये तो कभी इक्विवेलेंट हो ही नहीं सकता। मतलब एक तरह से क्वेश्चन में हमें गिवन है पी इम्प्लाइज क्यू, भाई पी एंड क्यू इम्प्लाइज आर को ऐसे लिखू ना, सपोज पी एंड क्यू को मैंने पी कंसिडर किया, आर को हमने क्यू कंसिडर किया, तो ये पी इम्प्लाइज क्यू क्यू के जैसा है। और ऑप्शन बी है पी इम्प्लाइज नॉट क्यू, ये तो कभी इक्विवेलेंट नहीं होता, कैसे हो सकता है। आप देखो ना, पी इम्प्लाइज क्यू में जब टी एफ होता है तब ये फॉल्स होता है, मतलब पी ट्रू क्यू फॉल्स होता है, तो पी इम्प्लाइज क्यू फॉल्स होता है। अगर नॉट क्यू कर दिया तो ये टी टी बन जाएगा और वो ट्रू हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट कहाँ से हुआ। समझ रहे हो बात को, ये आपको समझना चाहिए अच्छे से कि P इम्प्लाइज Q इज नॉट इक्विवेलेंट टू P इम्प्लाइज नॉट Q। ठीक है, ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। ओके, ऑप्शन सी चेक करते हैं। नॉट P और नॉट Q इम्प्लाइज नॉट R, क्वेश्चन में गिवन है P एंड Q इम्प्लाइज R है, ऐसा लग रहा है नॉट नॉट लगाया दोनों साइड, जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है P एंड Q इम्प्लाइज R, ऐसा अगर दोनों साइड नॉट लगाएंगे तो ये बनेगा नॉट ऑफ पी एंड क्यू इम्प्लाइज नॉट ऑफ आर।
डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग नॉट अंदर जाएगा, तो नॉट पी और नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट आर, ये तो है ऑप्शन सी में, मतलब जो हमें क्वेश्चन में गिवन है ना उसके दोनों साइड नॉट लगा है, तो ये कभी इक्विवेलेंट नहीं होता है। मतलब क्वेश्चन एक तरह से ऐसा हो गया कि पी इम्प्लाइज क्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है और बोले कि नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू इसकी इक्विवेलेंट है, नहीं नहीं होता ऐसा। हम देख सकते हैं कॉम्बिनेशन लेके भाई पी इम्प्लाइज क्यू में टी एफ का कॉम्बिनेशन फॉल्स होता है, दोनों साइड नॉट लगाएंगे तो ये एफ टी बनेगा, ये ट्रू हो गया, तो इक्विवेलेंट कहाँ से हो रहा है, इधर एफ आ रहा है इधर टी आ रहा है, इक्विवेलेंट नहीं है ना, इसका मतलब ऑप्शन सी भी एलिमिनेट है। ऑप्शन डी पी एंड क्यू इम्प्लाइज आर, इधर पी और क्यू इम्प्लाइज आर, नहीं ना ये कब से इक्विवेलेंट होने लगा, इधर पी एंड क्यू है इधर पी और क्यू है, पी एंड क्यू पी और क्यू इक्विवेलेंट नहीं होते, इसका मतलब ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके अब इसमें तो तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए इसलिए जल्दी से पता चल गया कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, अगर नहीं होता तो फिर हम सब सारे ऑप्शन को सोल्व करना पड़ता, बट हम वेरीफाई कर सकते कि ऑप्शन ए करेक्ट है कि नहीं। अगर मैं पी एंड क्यू इम्प्लाइज आर को सिंप्लीफाई करूँ, देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि पी एंड क्यू इज इक्विवेलेंट टू नॉट पी और क्यू। ओके एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाले के आगे नॉट लगाओ, एरो की जगह और राइट हैंड साइड वाला इज इट इज, सो ये बनेगा नॉट ऑफ पी एंड क्यू और आर, यहाँ से कंपेयर कर सकते हो आप। डी मॉर्गन्स लॉ के अगर अकॉर्डिंग नॉट अंदर जाएगा तो ये बनेगा नॉट ऑफ पी और नॉट ऑफ क्यू और आर, ठीक ये क्वेश्चन में गिवन है। ऑप्शन ए क्या है, पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज आर, तो इसको लिखूंगा नॉट पी और क्यू इम्प्लाइज आर, नॉट पी और क्यू क्यू इम्प्लाइज आर को लिखूंगा नॉट क्यू और आर, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो दोनों एक जैसे हैं, इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक थर्ड क्वेश्चन, इनवर्स ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न। ओके क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट पैटर्न गिवन है, इसका इनवर्स फाइंड करना, सो स्टेटमेंट पैटर्न है पी और क्यू इम्प्लाइज पी एंड क्यू। अच्छा इन जनरल पी इम्प्लाइज क्यू का इनवर्स होता है नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू, राइट, सो इसका इनवर्स हो जाएगा पी की जगह पी और क्यू है एंड क्यू की जगह पी एंड क्यू है, सो दिस इज नॉट पी और क्यू इम्प्लाइज नॉट पी एंड क्यू। ओके ठीक है ये ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग नगेशन अंदर जाएगा तो नॉट पी एंड नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी और नॉट क्यू, अब कोई ऑप्शन मैच हो रहा है क्या, यस ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके क्वेश्चन नंबर फोर, इफ पी एंड क्यू इज फॉल्स, पी इम्प्लाइज क्यू इज फॉल्स, देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू आर। ओके वैसे तो टेबल बना के देख सकते हैं पी एंड क्यू पी इम्प्लाइज क्यू का, या फिर ऑप्शन से जा सकते हैं, ऑप्शन देखो कि कौन सा ऑप्शन है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा, पी एंड क्यू फॉल्स पी इम्प्लाइज क्यू फॉल्स, लेकिन हमें पता पी इम्प्लीकेशन क्यू सिर्फ एक ही कंडीशन में फॉल्स होता है जब पी ट्रू है एंड क्यू फॉल्स है, सिर्फ एक ही कंडीशन में फॉल्स होता है ये, और इस कंडीशन में पी एंड क्यू भी फॉल्स होगा, यस पी एंड क्यू के लिए कम से कम एक फॉल्स होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, सो आंसर है टी एफ यानी कि ऑप्शन बी, इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फाइव, द नगेशन ऑफ इनवर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट पैटर्न इज, ओके स्टेटमेंट पैटर्न है नॉट पी इम्प्लाइज क्यू, इसके इनवर्स का नगेशन फाइंड करना, तो इनवर्स क्या होगा, अच्छा इन जनरल पी इम्प्लाइज क्यू का इनवर्स होता है नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू, राइट, यस तो इसका इनवर्स होगा नॉट ऑफ नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू। ठीक अब इसके इनवर्स का नगेशन, अच्छा थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, नॉट ऑफ नॉट पी इज पी, ये पी इम्प्लाइज नॉट क्यू बना, एंड पी इम्प्लाइज क्यू होता है नॉट पी और क्यू, लेकिन क्यू की जगह नॉट क्यू है, ठीक इसका नगेशन क्या होगा, नगेशन ऑफ नॉट पी और नॉट क्यू, नगेशन अंदर जाएगा तो डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग नगेशन स्टेटमेंट पे डिस्ट्रीब्यूट होगा और साथ में और का एंड हो जाएगा, सो ये होगा नगेशन ऑफ नगेशन पी एंड
नगेशन ऑफ नगेशन क्यू, यानी कि पी एंड क्यू. ओके, डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग नगेशन ऑफ पी और क्यू इज इक्वल टू नॉट पी एंड नॉट क्यू, एंड नगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वल टू नॉट पी और नॉट क्यू. ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे दो ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन ए एंड सी. सो हम ऑप्शन ए को करेक्ट करते हैं और सी में थोड़ा सा चेंज कर दें, इधर पी और क्यू कर देते हैं ताकि ये रिजेक्ट हो जाएगा. ठीक, सिक्स्थ क्वेश्चन, द नगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट पैटर्न इज, ओके स्टेटमेंट पैटर्न है पी एंड क्यू इंप्लाइज आर. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते थोड़ा नगेशन करने से पहले, पी एंड क्यू इंप्लाइज आर इज नॉट क्यू और आर, राइट. ओके, अब करते हैं नगेशन. सो नगेशन ऑफ पी एंड नॉट क्यू और आर, डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग नगेशन अंदर जाएगा तो एंड का और हो जाएगा, और का एंड हो जाएगा, और नगेशन सारे स्टेटमेंट पे डिस्ट्रीब्यूट होगा. सो नगेशन पी पे जाएगा तो ये बनेगा नॉट पी, एंड का हो गया और, नॉट क्यू पे जाएगा तो ये हो जाएगा क्यू, ब्रैकेट तो लगेगा ही, क्यू और का हो जाएगा एंड, और दिस इज नॉट आर. ठीक, ओके, कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है क्या, नहीं हो रहा क्योंकि सब में नॉट क्यू दिख रहा है. ओके, ऑप्शन डी को करेक्ट कर सकते हैं अगर यहां से मैं नगेशन हटा दूं तो, नॉट पी और क्यू एंड नॉट आर. ठीक है, ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन थोड़ा मिस प्रिंट है. ठीक, सेवन क्वेश्चन, इफ ए इज सेट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. ओके, ए बी सी डी में से कौन सा फॉल्स है अगर ए सेट में 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स है तो. ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्वांटिफायर्स हैं, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, दिस इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. इसके लिए जो कंडीशन गिवन है वो कम से कम एक वैल्यू के लिए अगर सेटिस्फाई होगी तो पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, और ये है यूनिवर्सल क्वांटिफायर. इसके लिए जो कंडीशन है वो सारे एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई होगी तो ही स्टेटमेंट ट्रू होगा, राइट. चेक करते हैं, ए देर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए में से कोई एक एलिमेंट की बात हो रही है, सच दैट एक्स प्लस 3 इक्वल टू 8. क्या कोई ऐसा एलिमेंट है ए में जिसमें एक्स प्लस 3 इक्वल टू 8 हो रहा है? एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, यस 5 है ना, आप देखो ना एक्स इक्वल टू 8 माइनस 3 यानी कि एक्स इक्वल टू 5. यस, एक एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए ट्रू है. हमें पूछा नॉट ट्रू, इसका मतलब ये करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, राइट. ऑप्शन बी देखते, देर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स प्लस 2 लेस देन 9. ओके, अगेन एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, देख एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स प्लस 2 लेस देन 9 यानी कि एक्स लेस देन 7. ऐसा है क्या कोई एक ऐसा एलिमेंट, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जिसमें जो लेस 7 से लेस है? ये सारे ही एलिमेंट 7 से लेस है, हमें तो कम से कम एक चाहिए, इसमें तो सारे ही है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है. हमें पूछा नॉट ट्रू, इसका मतलब इनकरेक्ट है. ठीक, ऑप्शन सी चेक करते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए यानी कि ए के सारे एलिमेंट्स, सच दैट एक्स प्लस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, मतलब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 माइनस 6 यानी कि 3. क्या ए में सारे के सारे एलिमेंट 3 या 3 से ग्रेटर है क्या? नहीं ना, 1 टू लेस है ना 3 से. अब यहाँ पे यूनिवर्सल क्वांटिफायर है तो सारे एलिमेंट्स के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. हाँ ठीक है, 3, 4, 5 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, लेकिन 1, 2 के लिए नहीं हो रही. अगर एक भी एलिमेंट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा. सी स्टेटमेंट फॉल्स है और हमें नॉट ट्रू ही पूछा, फॉल्स ही पूछा, इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें. ओके, असाइनमेंट कंप्लीट.